हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल नेचुरल इंडियन टीवी में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे चारे के बारे में जिसका इस्तेमाल अगर आप अपने हुक में लगा कर करेंगे तो ऐसे बड़ी बड़ी मछलियां आपके हुक में फंसेंगी, जैसे कि रोहू, कतला, मेगल, कामन कार्प, ये सभी मछलियाँ फंस सकती हैं। तो आपको ऐसे चारे का इंतज़ार था और हम वही चारा लेकर आ चुके हैं। तो चलिए बनाते हैं, अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से उसे बनाना है और इस्तेमाल करना है। तो चलिए इसे बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे पार्ले जी का। तो आप देख सकते हैं यह पार्ले जी बिस्किट और इसी से हम चारा बनाएंगे। तो चलिए इसको खोल लेते हैं और हम चारा कम मात्रा में बना रहे हैं इसलिए हम केवल दो बिस्किट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो तीन बिस्किट भी कर सकते हैं, लेकिन हम चारा कम बना रहे हैं तो कम बिस्किट का ही इस्तेमाल करते हैं। हमने बिस्किट ले लिया है, अब इसको हम तोड़ेंगे मतलब इसको बारीक कर लेंगे। तो बारीक करने के लिए हम इसे बारीक करते हैं इस तरह से। तो चलिए इसी तरह से हम बारीक कर लेते हैं। अगर आप इस तरह से बारीक नहीं करते तो मिक्सी में या फिर ओखली की मदद से कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया है कि मैंने बहुत से चीज़ों को ओखली में बारीक किया है। तो चलिए इसको भी हम इसी तरह से कर लेते हैं, ऐसे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। चलिए हम आपको जल्दी से इसको बारीक करके दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको बारीक कर लिया है, मतलब इसे आप जितना बारीक कर सकते हैं उतना कर लीजिए, क्योंकि जितना बारीक रहेगा उतना चारा अच्छा बनेगा। अब इसके बाद हमें इसमें डालना है गेहूँ का आटा। तो गेहूँ के आटे के लिए हम जो है डालेंगे लगभग इसके बराबर ही गेहूं का आटा डाल देते हैं। चलिए हम आपको डालकर दिखाते हैं, इतना ही डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब दोस्तों हमें इस्तेमाल करना है इसमें पानी, और पानी में जो है हींग मिला होना चाहिए। तो यहाँ पर है हींग में मिला हुआ पानी। दोस्तों अगर हींग का आप पानी बनाना चाहते हैं तो इसमें 10-15 मिनट पहले लगभग आधा चम्मच हींग को हमें इसमें ऐड करना है और इसको ऐसे ढक्कन लगा के इसको मिला देना अच्छे से। उसके बाद हम 15 मिनट बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैंने एक दिन रखा था, तो चलिए इसको हम पानी डालते हैं और इसको गूंथते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा चारा बनकर एकदम रेडी हो चुका है। अब चलिए हम इससे आपको मछली का शिकार करके भी इसी समय दिखाते हैं। दोस्तों चलिए हम अपने हुक को तालाब में रखते हैं, देखते हैं कौन सी मछली आती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बड़ी सी मछली हमारे हुक में फंसी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी बड़ी कामन कार्प हमारे हुक में आई। चलिए इसको निकालते हैं और आप इसे देख सकते हैं कि कितनी बड़ी कामन कार्प मछली है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।